केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, तो इसके बेसिक्स तो आप लोगों को पता होंगे क्या पढ़ना है इसमें। ये खासियत है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना 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 क्या क्या है और आप लोगों ने पढ़ा क्या है इसके बारे में। अभी तक सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में कई सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ा नहीं है सर, पहला टॉपिक है, नया टॉपिक है, नहीं। आपने इसमें बहुत सारी चीजें अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं। जैसे केमिकल बॉन्ड होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड, बनता क्यों है केमिकल बॉन्ड, कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं, कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं, फिर उन केमिकल बॉन्ड्स के जो टाइप हैं उनकी खासियत क्या है, क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ तीन तरह की बॉन्डिंग आपको दिखेगी, एक होता है आयनिक, एक होता है कोवेलेंट, एक होता है कोऑर्डिनेट। अब इन तीनों में किस तरीके से हमको क्या क्या बनता है, कैसे कैसे क्या क्या फेवर्स फेवरेबल स्टेप्स होते हैं, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से ये बॉन्ड अच्छा बनता है, किस तरीके से ये बॉन्ड कमजोर है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। आप लोग बहुत सारी चीजें इसकी पढ़ चुके हो कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम आयनिक बॉन्ड उसी को कहते हैं, तो वो एक्चुअली होता क्या है ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, तो सर हमें पढ़ना क्या है, हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। कोवेलेंट बॉन्ड आप कभी डिटेल में नहीं पढ़े हो, आपने कोवेलेंट बॉन्ड का डिटेल में नहीं पढ़ाई किया, क्या केवल आपने पढ़ा कि किस थेरिंग से बनता है, लेकिन उसी में पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, ये भी होता है, वो नहीं पढ़ा आपने। पढ़ा है पोलर नॉन पोलर 10th क्लास में? यस सर, 10th क्लास में पढ़ा है। 10th में नहीं पढ़ा, अभी पढ़ा है। 10th में पढ़ा है, 10th पढ़ा है, 10th में पढ़ा, नहीं पढ़ा। हां सर, किसके में था भाई 10th में? डिटेल में नहीं था, लेकिन हाँ था, पोलर नॉन पोलर था, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड थे। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, था तो और अच्छी बात है, पोलर होता है नॉन पोलर होता है। उसके अलावा उनकी थ्योरी भी पढ़ी होगी, लेविस ऑक्टेट रूल पढ़ा है, ऑक्टेट का रूल पढ़ा है आप लोगों ने। जे देखो क्या कर रहे आयुष, पढ़ाई कर रहे, खाना खा रहे हैं? क्यों, क्या कर रहा है ये लड़का, देखो बताइए भाई, पढ़ा है हर्ष? यस सर। क्या पूछ रहे हैं हम, जवाब नहीं आएगा क्या हमारे पास? पढ़ा क्या आपने, ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल पढ़ा है ना सबने, ऑक्टेट रूल क्या होता है भाई? सर जब इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होते हैं, किस लिए, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। कौन सा होता है जो कि स्टेबल होता है कॉन्फ़िगरेशन? क्या सर, किसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है? नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन, उसी को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज का मतलब लूज करे या गेन करे या शेयर करे, वो उसके ऊपर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है, अच्छी बात है भाई, ये भी पढ़ लिया आपने। अब कुछ रूल और होते हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो हमको पढ़नी है 11th में, अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है सर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो ये सारी थ्योरी हो जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड में आती है, कोवेलेंट बॉन्ड में ये थ्योरीज आएंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इन्हीं के ऊपर आप क्वेश्चन, आपको इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है आपको 11th क्लास में। 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में हमको इनकी थ्योरीज पढ़नी है। आयोनिक बॉन्ड एक्चुअली बॉन्ड नहीं होता, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, आज इंट्रोडक्टरी होगा, आज आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर में, और स्टार्ट भी कर देंगे हम नो डाउट। लेकिन आप मेरे को बताओ ये जरा, मैंने आप लोगों को बताया ना कि आयोनिक बॉन्ड एक्चुअली बॉन्ड नहीं होता है? सर
उसके बीच में फोर्स रहता है, एक फोर्स होता है वो, ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हम कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं किसी दो मॉलिक्यूल या किसी दो एटम के बीच में, जब वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये चीज मैंने बता दी आप लोगों को, इसलिए आयोनिक बॉन्ड तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है हमको, वो एक्चुअली बॉन्ड होता ही नहीं है तो उसकी थ्योरी नहीं पता चली। उसमें क्या होता है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन जाता है मतलब ट्रांसफर होता है, एक दे देता है एक ले लेता है, बस यहीं पे बात खत्म। अब मैंने ये भी आप लोगों को बताया था बेटा कि कोई भी बॉन्ड परफेक्ट, जो भी बॉन्ड होगा वो परफेक्ट वो बॉन्ड नहीं होता। जैसे जैसे मान लो आपको बोला आयोनिक बॉन्ड, तो कोई आयोनिक बॉन्ड परफेक्टली आयोनिक बॉन्ड नहीं हो सकता, इसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोई ना कोई कोवेलेंट का नेचर होगा। कैसे होगा, क्या होगा, कितना होगा, इसके रूल्स होते हैं, इसके रूल्स पढ़ने हैं हमको, इसी के रूल्स पढ़ने। फायांस रूल करके एक रूल आएगा जिसमें ये पता चलता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसी आयनिक बॉन्ड में कैसे कितना होता है, ठीक है, उसका वेरिएशन किसी ग्रुप में या किसी पीरियड में क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे या लेफ्ट से राइट चलेंगे तो कैसे चेंज होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर इसी में, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़नी है हम लोगों को। हम लोग को कोवेलेंट बॉन्ड में आप लोगों को ये पता है कि हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कार्बन और क्लोरीन में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बनता है? यस सर, बनता है। तो इन दोनों में भी कोवेलेंट, इन दोनों में भी कोवेलेंट, अंतर क्या है दोनों कोवेलेंट में, अंतर क्या है दोनों कोवेलेंट में? सर पोलर नॉन पोलर। हाँ, इसके अंदर कोई पोल जनरेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो कोई पोल जनरेट नहीं होगा, तो ये नॉन पोलर होता है। ये क्या होता है? नॉन पोलर। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, होने पढ़ चुके हैं तो, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कौन सा पीरियोडिक टेबल, तो आप लोग को पता होगा कि क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या होता है, क्लोरीन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सबको पता है। इसलिए क्या करते हैं ये शेयर्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है ये क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस का चार्ज और इसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है, ये क्या जनरेट हो जाता है, पोल। तो इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, पोलर। पोलर पोल्स जनरेट होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, तो पोल्स जहां जनरेट होते हैं वहां पे मोमेंट आएगा जिसको हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट। क्या कहेंगे? कितने डाइपोल, डाई मतलब दो पोल जनरेट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का, जिसकी वजह से एक मोमेंट जनरेट होगा। मोमेंट तो सुना होगा वर्ड फिजिक्स में, मोमेंट क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट? मोमेंटम नहीं, मोमेंट, मोमेंटम अलग है, मोमेंट अलग है। बता सकता है कोई मेरे को? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मोमेंटम, अरे मोमेंट। अच्छा और कोई? और कोई आदर्श? मोमेंट नहीं पढ़ा है, सुना नहीं फिजिक्स में है? सर इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस सर एक इंस्टेंट। हम ये नहीं पूछ रहे कि मोमेंट की टाइप, हम ये पूछना चाहते हैं मोमेंट होता क्या है। अदिति, जतिन, यश, उदित, कोई नहीं? चे भाई साहब फिजिक्स में नहीं पढ़ा इसको। वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ा है? अरे भाई साहब, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, दिस इज नोन एज मोमेंट, भूल गए? पढ़ा है। कोई नहीं कह सकता सर नहीं पढ़ा है ये, कोई नहीं कह सकता। कोई दरवाजा बंद करते हो आप, फोर्स लगाते हो किनारे पे उसके दरवाजे को, दरवाजा तो बंद किया होगा ना घर में, हैं? दरवाजा बंद किया होगा ना, दरवाजे को मतलब एक जगह से फिक्स होता है एक एंड से,
एक एंड से फिक्स होता है आपका दरवाजा और एक तरफ से आप हाथ लगा के क्या करते हो, बंद करते हो हाथ पकड़ के उसका, तो आप क्या करते हो, मोमेंट जनरेट करते हो। मोमेंट का मतलब फोर्स लगाते हो और वहां से फोर्स ट्रांसफर होता है, कहां से, लाइन ऑफ एक्शन होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हैंडल से लेके जहां पे फिक्स पॉइंट है वहां तक ट्रांसफर होगा, और वो लाइन ऑफ एक्शन से वो क्या हो जाता है, मोमेंट जनरेट होता है जिसकी वजह से वो घूमता है, पता है? Yes, sir. तो ये बताओ कि लाइन ऑफ एक्शन जितना कम होता है उतना फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कि उतना कम? लाइन ऑफ एक्शन अगर आपने कम कर दिया तो फोर्स ज्यादा की कम? चलो वो फिजिक्स है, अरे यार दरवाजा बंद किए हो कभी आप, बीच में से बंद, बीच में से पकड़ के बंद कर सकते हो हैंडल? फोर्स ज्यादा लगेगा सर। फोर्स ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है, कोशिश करके देखना आप लोग, कोशिश करके देखना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो ये मोमेंट होता है, यहाँ पे मोमेंट कुछ अलग होगा, क्या होगा यहाँ पे मोमेंट, यहाँ पे ना तो फोर्स है ना तो कुछ है। यहाँ पे बेटा आप लोगों ने पढ़ा है कि इनके बीच में ये चार्ज जो हो रहा है क्यू, ये क्यू जो है ये फोर्स जैसा काम करेगा। क्यू मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो इंटर मॉलिक्यूलर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल के बीच में, अरे एटम्स के बीच में, ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। हमने देखा था किस तरीके से कोवलेंट रेडियस निकालते हैं, तो वो जो रेडियस होगी वही रेडियस डी, ये आएगा आपका डाइपोल मोमेंट। आर यू गेटिंग और नॉट? तो केवल पोलर में होगा डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, ये चीजें आपको पढ़नी है। डाइपोल मोमेंट पढ़ने से फायदा क्या होगा ये भी चीज मैं बता दूं, ये जो मैं एक एक चीज बता रहा हूँ इसको दिमाग में रखना, ये नहीं कि भूल जाना। डाइपोल मोमेंट पढ़ने से हम ये बता सकते हैं निकालने, कैलकुलेट करने से, कि किसी का नेचर मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है कि नहीं है, और मैग्नेटिक है भी तो कैसा है, पैरा मैग्नेटिक है कि डाया मैग्नेटिक है कि फेरो मैग्नेटिक है कि कैसा है, ये सब मैग्नेटिक नेचर बताया जा सकता है किसी कंपाउंड का, किसी कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर बताया सकता है कि उसके डाइपोल मोमेंट से, ठीक है? तो ये सारे सब बहुत सारी चीज इसमें चैप्टर में आएंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, इसी में आप हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी सुनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुनेंगे, किस तरीके से एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग होगी, बॉन्डिंग कहाँ होगी। अभी तक हम लोगों ने केवल हवा में बात किया है कि इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पे, कैसे होता है, लेकिन एक्चुअली जब बॉन्ड बनता है तो किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करता है, किस तरीके से वो बॉन्ड बनाता है एक्चुअली, ये हमको केमिकल बॉन्डिंग में देखने को मिलेगा, ये सारी चीज हमको केमिकल बॉन्डिंग में सीखने को मिलेगी कि कितना बॉन्ड कैसे, किधर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, किधर से ओवरलैपिंग हो रही है, कैसे बॉन्ड बन रहा है, यही हाइब्रिडाइजेशन का काम है। और यही हाइब्रिडाइजेशन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी तरीके से काम देगा अगर आप यहाँ पे सीख जाएंगे तो। बात समझ में आ रहा है? ठीक है सर। क्या पढ़ना है, कुछ आइडिया लग रहा है इस चैप्टर में, नहीं लग रहा है आइडिया अदिति? यस सर। तो बहुत कुछ पढ़ना है बेटा इस चैप्टर में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। चलिए इसको स्टार्ट किया जाए, तो हटा दिया जाए सारी चीजें, अभी तो ये हम बताएंगे तो दो चार पेज में आ जाएगा क्या क्या पढ़ना है। हमने आइडिया दे दिया आप लोगों को, ओवरव्यू दे दिया कि पढ़ना क्या क्या है, ये चीज हम लोग देख लिए। इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, तो हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। चलिए तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, क्या होता है केमिकल बॉन्ड? इट इज अ फोर्स, इट इज एक्चुअली फोर्स बाय विच टू एटम्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर।
ये बॉन्ड मतलब कि एक फोर्स होता है जो अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से दो दो एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं या मिलके एक कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स by which two or more atoms are bonded or attached together to form a compound। ठीक, अब ये जो अट्रैक्शन होता है, ये जो इन लोग के बीच में फोर्स काम करता है, ये एक्चुअली क्यों करता है, क्यों ऐसा होता है कि कोई फोर्स काम करेगा, क्यों? बिकॉज द एटम wants to become stable, and to achieve, चाहे एंड के बाद बजाय स्टेबल, by attaining noble gas configuration। एक मिनट बेटा, जरा रुको एक मिनट, आप लोग
तो केमिकल बॉन्ड एक्चुअली क्या है? केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स, केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स बाय विच टू और मोर एटम्स आर बॉन्डेड और अटैच टूगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड बिकॉज द एटम्स, क्यों? क्योंकि द एटम्स वॉन्ट्स टू बिकम स्टेबल बाई अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ्यूगरेशन. दिस इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड. अब ये केमिकल बॉन्ड एक्चुअली जो आप लोग जानते हैं हम उसको बहुत तेजी से खींचेंगे, जो आप लोग नहीं जानते हैं वो हम आराम से बताएंगे. ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा कि सर ये चीज आया कि नहीं आया, आप लोगों को तो इतना तो पता ही चली गया. चलिए, तो एक्चुअली इसी केमिकल बॉन्डिंग में जो नोबल गैस का कॉन्फ्यूगरेशन पाना होता है, ये जो नोबल गैस कॉन्फ्यूगरेशन का चीज है इसी को ऑक्टेट रूल कहा गया. नोबल गैस कॉन्फ्यूगरेशन का अचीव होना इसको ऑक्टेट रूल कह दिया गया. कि ऑक्टेट रूल क्या होता है कि जिसमें ऑक्टेट रूल ये कह दिया गया कि जिसमें नोबल गैस का कॉन्फ्यूगरेशन मिल जाए, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए. आप लोगों को पता है बेटा कि हम लोग पढ़े हैं, हम लोग अभी पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आए, यही तो फायदा है देखो पिछले चैप्टर का. एक लोग यही आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग लेट आए ये करते हो, मतलब कि क्लास रेगुलर